हेलो स्टूडेंट, दिस इज पार्ट सिक्स वीडियो ऑफ मिक्स बेस एक्सरसाइज 2.3। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 2। क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी रिटेन, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व। अब देखिए, 2/5 होल पावर 2m टू द होल पावर माइनस 2 इक्वल टू 16/625। इसको हमें सॉल्व करना है, इसमें यानी m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम देख रहे हैं किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में क्या मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2/5 होल पावर 2m इंटू माइनस 2 इक्वल टू 16 को हम जो है पावर के रूप में डाल देते हैं इसको। तो 16 जो है देखते हैं, 16 जो है टू बेस हमको सेम करना है। तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16, यानी 2 के पावर पर क्या है 4 है। एंड 625 जो है 5 का ही होगा, तो 5 5 जै 25 25 5 जै 125 एंड 125 5 जै 625, यानी ये 4 बार में ये भी हो रहा है। तो 5 पावर 4, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/5 होल पावर 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखिए बेस हम दोनों का जो है सेम हो गया है। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, बेस दोनों का सेम है 2/5 2/5, तो हम इनके पावर को लिख चलेंगे। तो 2 2 4 माइनस 4m इक्वल टू 4, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई माइनस 4, 4 4 कट गया यानी माइनस 1 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। चलिए क्वेश्चन पर नोट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने नोट कर लिया है, सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। आई हैव ऑलरेडी रिटन क्वेश्चन। तो 8 to the power 2, तो अभी 8 को भी हम 2 के बेस के रूप में ले सकते हैं। 2 2 4 4 2 8, यानी 2/3 लिख सकते हैं इसको। 2/3 होल पावर 2 इंटू, अब यहाँ पर जो है 3 पावर माइनस 6 हो गया इंटू, यहाँ पर जो है 2 पावर माइनस 3 होल पावर 2 है, तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पावर माइनस 3 2 6। ठीक है, अब यहाँ पर भी पावर के ऊपर पावर है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 2 6 इंटू, अब 3 पावर माइनस 6 है। तो अब यहाँ पर देखिए, कि यहाँ पर 2 देखिए, यहाँ पर हम दोनों को देखते हैं, दोनों का बेस सेम है, तो हम इस दोनों का बेस जब सेम है तो हम ये कर सकते हैं कि ये भी 2 है ये भी 2 है, और इनका जो है हम यहाँ पर लगा एक स्टेप और बढ़ाते हैं। इसको हम यहाँ पर लिखते हैं इसके पास में 2 पावर माइनस 6 इंटू 3 पावर, यह हो गया। क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है तो हमने ले लिया, और इन दोनों का बेस जब मल्टीप्लिकेशन में दोनों का बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होते हैं जुड़ जाते हैं। तो 6 प्लस माइनस ये हो जाएगा इंटू 3 पावर माइनस 6। अब देखते हैं, तो 2 पावर जो है 6 माइनस 6 यानी 3 पावर माइनस 6, यानी ये हो जाएगा 2 पावर 0 इंटू 3 पावर माइनस 6। किसी भी पावर जब 0 होता है तो 1 हो जाता है इंटू, अब 1/ ये जो है माइनस पावर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 पावर 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पावर ऐसे आएगा। अब 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 729। अगर इसको मल्टीप्लाई करें या 729 हो जाएगा, या हम इसको अगर अपोजिट ऊपर के भेजें तो 3 पावर माइनस 6 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको लिखें या तो इसी को हम यहीं चुप करना पड़ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है,
जस्ट आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन तो 8 पावर 2 है तो हम इसको 2 के बेस में लिखते हैं तो 2 जा 4 2 जा 8 यानी 2 पावर 3 होल पावर 2 माइनस 4 इन 2 अब यहाँ देखिए 4 पावर 0 है तो इसका वैल्यू हो गया 1 माइनस ये देखिए 1/4 होल पावर माइनस 2 है तो हम इसको जो है प्लस में कर देते हैं तो यह हो जाएगा 4 पावर 2 ठीक है सो साइन जो है पावर का साइन चेंज हो गया अब इसको जो है मिनिमाइज करते हैं तो यह पावर पर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तब 2 पावर 6 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 ही होगा माइनस इसको भी हम जो है 2 की पावर में डाल सकते हैं ठीक है तो 2 पावर 2 होल पावर तो 2 पावर 6 माइनस 4 माइनस 2 पावर 2 जा 4 क्योंकि अब यहाँ पर तो माइनस माइनस ही है तो इसको सॉल्व करने में क्या है 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32 2 जा 64 तो यह हो गया 64 माइनस 4 माइनस अब 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 अब ये चूँकि ये दोनों माइनस वाला है तो 64 माइनस इन दोनों माइनस माइनस आपस में जुट जाएगा तो यह हो जाएगा 20 अब इसको जब माइनस करेंगे तो ये होगा क्या 44 इज द सॉल्यूशन 44 थैंक यू फॉर वॉचिंग मोर वीडियो यू कैन गो माई साइट यूट्यूब साइट रंजीत सर एजू वॉच लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू